दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC लगातार G20 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। नई दिल्ली क्षेत्र को सजाया जा रहा है, नए फुटपाथ, रोड डिवाइडर और फुटपाथ के बगल में झाड़ीदार पौधों को सुंदर और डिजाइनर ग्रीनरी के साथ सुशोभित तो किया ही जा रहा है, लेकिन पूरे लुटियंस जोन को फूलों से महकाने की कवायद भी चल रही है। जी NDMC एरिया में काफी संख्या में ट्यूलिप फ्लावर्स खिलते हुए देखे जा सकते हैं। इसके लिए NDMC ट्यूलिप की खेप हॉलैंड से मंगवा रही है। करीब 2 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स के बल्ब मंगवाए गए हैं। क्या है ट्यूलिप फ्लावर्स को लेकर NDMC की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। G20 के लिए NDMC लुटियन जोन को दुल्हन की तरह सजा रही है। फूलों से महकाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। G20 वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है और इस बार देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की जो समिट होने जा रही है उसके लिए NDMC पूरी तरह से तैयार है। और आप देख रहे हैं कि इस बार हमने विशेष करके जो ट्यूलिप हैं वो उनको हमने इम्पोर्ट किया है, लिलीज को इम्पोर्ट किया है और वो पूरे शांति पथ पर पूरी तरह से लग रहे हैं। आज यहाँ इस राउंड अबाउट पर आप देखेंगे कि ये सारे ट्यूलिप की बल्ब हैं जो बल्ब नीदरलैंड से, हॉलैंड से आई हैं और हमारा स्टाफ लगातार इसमें दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है और ये तैयारी अभी इन बल्ब को 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर में हम अपने स्पेशल इसको रखते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए ही यहाँ पर ये बल्ब यहाँ पर लगाएंगे और लगभग उसमें इतना भी ध्यान रखा जाता है जब इनको इम्पोर्ट करते हैं इनको क्वारंटाइन भी किया जाता है, कहीं किसी प्रकार की कोई फंगस कोई बीमारी तो इन बल्ब्स में नहीं है, विदेश में साथ में नहीं आई है। उस क्लियरेंस के बाद ये यहाँ अब लगने के लिए तैयार हैं और लगभग 45 days to 50 days में इनकी ब्लूमिंग फूल की स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि पूरी NDMC एरिया जो है बहुत रंग बिरंगे तरीके से ट्यूलिप आपको सब जगह दिखाई देंगे। करीब कितने लाख ट्यूलिप को मंगाया गया है और किस तरह से आप देखेंगे? लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास बल्ब इस बार हमने मंगवाई हैं। पिछली बार लगभग 57,000 के आसपास थी लेकिन इस बार चूंकि बजट में भी हमने स्पष्ट कहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल भी होगा